अगर हम कहें कि हम इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय कांग्रेस नेता को सुन रहे हैं तो क्या हम गलत कहेंगे? वो अपना अपना दृष्टिकोण है, लोकप्रिय तो बहुत लोग हैं और यदि स्टेट के हिसाब से भी कहेंगे तो मुझसे सीनियर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और फिर सिद्धारमैया जी अब दूसरे बार फिर से मुख्यमंत्री चुने हैं, तो लोकप्रियता का पैमाना कहना बड़ा कठिन है और ये निर्णय तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, जनता पे छोड़ता हूँ। किशोर का ये सवाल मुझे लगता है इसलिए भी था बघेल साहब, क्योंकि छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है जहाँ विधानसभा चुनाव में हमें पहले से पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नहीं नहीं, आपको राजस्थान में भी पता है? हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं पता। राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल, चेहरा वही है, गहलोत जी हमारे सीनियर लीडर। जो सीएम है वही चेहरा बन के जाएगा? अमूमन ये होता है, जिस खासकर कोई भी पार्टी हो, आप चाहे कांग्रेस कहिए या भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री ही अमूमन चेहरा बनाया जाता है। जहाँ सत्ता में नहीं रहते तो फिर वो फिर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो हमें मान लें कि इस साल पार्टी आप ही के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही विधानसभा चुनाव। ये काम हाईकमान का है, वो डिक्लेयर करते हैं नहीं करते हैं कब करते हैं, तो वो हाईकमान का है। ये सवाल मुझसे न पूछ के हाईकमान से पूछा जाना चाहिए। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, अभी आपने कहा जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो ही मुख्यमंत्री बनता है। मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन घोषणा तो हाईकमान ही करते हैं। पहले भी जो चेहरे हुए हैं तब भी हाईकमान ने ये घोषणा की। एक आध बार देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उसके चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ा गया था पंजाब में पिछले समय, तो ऐसे वो मैं समझता हूँ वो रेयर ही है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में तो इस प्रकार से होता है कि जो सत्ता में रहते थे उसके हिसाब से, लेकिन अब मध्य प्रदेश में होता है कि नहीं होता है देखने की बात है। मध्य प्रदेश में तो सत्ता आपको मिली थी तो वो ना मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, शिवराज सिंह जी चेहरे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नहीं होंगे ये मैं कह रहा हूँ।